दोस्तों, मित्रों, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है संडे और सभी को संडे की बहुत सारी बधाइयाँ। तो दोस्तों, अभी आज की जो व्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 9 बजे से, और हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की कोहरा नज़र आ रहा होगा आप सभी को। और अभी मैं जा रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग, जंगल में गाय को टखाने के लिए, यानी गोर टखाने के लिए। और पीछे आ रही मेरी दो होनार बकरी। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल में। ये देखो दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों को क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, एकदम कैड़ा व्यू गाइस। और यहाँ नीचे देखो भाई, ये फॉग जिसको कोहरा बोलते हैं, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। क्योंकि भाई गर्मी, उमस हो रही है ना आजकल, बहुत ख़तरनाक उमस हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है घर से। तो थोड़ी बारिश भी होनी चाहिए, उमस से तो बढ़िया है कि बारिश हो जाए। बाकी तो अभी नाश्ता नुश्ता कुछ नहीं हुआ, अभी सीधे मुँह धोए मैंने, सीधे ऊपर आ गया गोटा खाने को। तो दोस्तों, आज थी हमारी और वो गांव के दादा हैं उनकी बारी। और आजकल तो मतलब गाय चराना बहुत ही मुश्किल हो रखा है, क्योंकि जो बारिश है, तो बारिश के कारण जो ये घास हो रखी है तो ये गीली हो रखी है भाई, और जिससे मतलब गायों को चरने में दिक्कत हो रही है। और जो मक्खियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो इंसान तक को भी खा जा रही है। मैंने हाफ टी शर्ट पहनी है आज, तो मतलब हालत ख़राब कर दी उन्होंने मेरी। तो दोस्तों, कुछ ऐसे हैं हालात आजकल के हो रखे, और गायों के लिए तो बहुत दिक्कत है भाई आजकल। तब भी ले जाना है भाई, पेट तो भरना ही है गायों ने भी अपना, तो देखते रहिए। ये देखो दोस्तों, जो हमारे पहाड़ हैं ना, वो आजकल क्या बोलते हैं इनको, कोहरे की चपेट में आ रखे हैं। ये देखो, वाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है, एकदम शानदार एंड क्लियर व्यू आ रहा है। और हरी भरी, पूरा गांव हरा भरा लग रहा है, क्योंकि बारिश के कारण सब कुछ धुल चुका है। ये देखो भाई, ये है हमारा गांव, खूबसूरत सा गांव, नौ गांव। यहां से देखो बादलों की चपेट में अभी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मैं आजकल व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, मतलब खास व्लॉग के घर में रह के या गाँव के ही व्लॉग डाल रहा हूँ। और आप लोग भी देख देख के बोरिंग हो चुके होंगे, और मैं भी बना बना के बोरिंग हो चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपको यही व्लॉग देखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल स्कूल टाइम है, तो मुश्किल होगा भाई कि मैं कहीं जा पाऊँ, मतलब बहुत रेयर चांस है। तो मैं जो गांव के बीच जो होता रहता है, मैं वही बताता हूँ आपको। तो थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास कहीं घर से बाहर निकलने का। बाकी आप देख सकते हो कोदा की फसल, कोदा गोड़ रखा है लोगों ने, बहुत ही प्यारी फसल आ रखी है इस बार। ये देखो बहुत ही तगड़ा, ये वाला हमारा खेत है जो बड़ा सा दिख रहा है। और यहाँ पे देखो भाई, करेला, बहुत ही छोटे छोटे करेले हो रखे हैं, हमारा नहीं है ये है दादी और का। और यहाँ देखो भाई, ये है मोगरी की फसल जो होने वाली है 5 दिन में, बस पकने वाली, कुछ तो पक गई है शायद, दिखाएंगे आपको पकने के बाद भी। यहाँ पे पिंका पानी ले जा रही है घर के लिए, काम काज भी जाम करती है ये भी। मैं थोड़ा कम करता हूँ काम, क्योंकि मेरे को व्लॉग बनाने भी होते हैं। ये देखो, ये है लच्छू चाचौर के अनार, इनमें भी बहुत ही प्यारे प्यारे अनार के बड़े बड़े दाने लग चुके हैं, इस दिन चखाएंगे आपको। तो ये है दोस्तों, ये है हमारे गाँव का पंचायत चौक, और इसकी हालत देख सकते हो आप लोग, बारिश के कारण मतलब पूरा क्या बोलते हैं इसको, सिमलू या काई, बहुत ही खतरनाक हो रखी है। अगर किसी का पैर फिसल गया भाई, उसका खोपड़ा तो पक्का बजेगा। तो ऐसे कुछ हाल हो चुके हैं, मतलब बारिश से फ़ायदा तो कुछ नहीं, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। देखो दोस्तों, जब रात खुलती नहीं है तो मेरी बहन भाई मेरी ड्रेस और अपनी ड्रेस धो देती है। और ये देखो, यहाँ पर जुराब भी धो दिए हैं हमने, हमने नहीं उसी ने धोए। तो अब करते हैं भाई नाश्ता। तो दोस्तों, आज सुबह का नाश्ता जो कर रहा हूँ मैं, वो है अभी मेरे पास रोटी, और इधर है ये मैगी। तो इसको करते हैं फटाफट फिनिश, आप लोग भी करिए नाश्ता, तो जुड़े रहिए। तो मैं इसको पहले फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों, अब हो चुका है नाश्ता और बच चुकी है 10। और तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि एक तो मौसम ख़राब रहता है यहाँ, दूसरा स्कूल भी है मेरी, तीसरा मेरे पास मतलब रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है आज।
तो भाई मैं आलस नहीं करता हूँ व्लॉग डालने में, क्योंकि नेट ख़त्म हो रखा है तो कहाँ से डालेंगे। तो जब नेट आएगा तो तब आपको व्लॉग मिलते रहेंगे, तो क्या कर सकते हैं तब तक। तो तब तक आप बाहर का व्यू देखो। दोस्तों जो ये आपको दिख रहे हैं ये सारे मुंगरी का ही खेत है, देख सकते हो। मैं अभी मुंगरी के जंगल में आ रखा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। ये देखो भाई पूरा जहाँ देखो मुंगरी ही मुंगरी, मक्का ही मक्का वाला। गांव में बहुत ज़्यादा मक्का होता है, लोग खेती करते हैं भाई इसकी, काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी हम आए थे सड़क में, क्योंकि मैंने करनी थी गाने की शूटिंग, और आज थे हम आ रखे मैं और यहाँ पे मेरे साथ थे मनीष रावत भाई, तो इन्होंने काफ़ी मदद की। तो थोड़ी सी दिखा देंगे आपको भी किस प्रकार बन रखी है जो गाने की वीडियो है। तो आपको सपोर्ट करना है गानों को भी, और लाइक शेयर कमेंट तो दबाते ही रहना है। तो दोस्तों मैं फिर जैसे हम सड़क से नीचे आए तो हम चले गए थे भाई हौजी में। तो हौजी में मैं अकेले गया था, तो मैंने खूब सारी मस्ती की वहाँ। फिर उसके बाद तुरंत मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद आपको पता ही है भाई थक लग गई, और मैं भूल ही गया कि व्लॉग भी बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 4, और 4 बजे के बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को मेरी वीडियो यानी मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग देखते देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मिलते रहेंगे ऐसे बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।